गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका सबका स्वागत है मेरे गार्डनिंग चैनल पे। मैं हूं राहुल। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है पारिजात यानी हर श्रृंगार का पौधा। इससे पहले कि मैं इसके पारिजात के गुण आपको समझाऊं, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हम सबको प्रकृति से जुड़कर रहना चाहिए। अभी आप सभी ने देखा होगा कोविड के कारण कितनी सारी समस्याएं आई, कितनी सारी दिक्कतें आई है, हर जगह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती रही है। तो जितना हम प्रकृति से जुड़ कर रहेंगे, प्रकृति के साथ रहेंगे, उतना हम खुश रहेंगे, अपना तनाव भी हम कम कर पाएंगे। सुबह उठकर ज़रा आप अपने गार्डन या अपने पौधों के बीच में रहिए, आपका दिन भर बहुत ही खुश और बेहतरीन जाने वाला है। क्योंकि पौधे अपने आप में हमारा तनाव कम करते हैं, हम जितना इनके बीच में रहते हैं उतना अपने आप को खुश पाते हैं। जैसे जैसे ये बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी खुशी अपने आप बढ़ती जाती है। तो आप भी अपने घर में एक कोई ना कोई पौधा लगाइए और उसको बड़ा कीजिए, आपको उतनी खुशी ही मिलेगी। तो आइए हम समझते हैं पारिजात के पौधों के बारे में। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, ये पारिजात की देखिए कलियाँ आ रही है। ये पौधे, इसके जो फूल है वो सुबह घिर जाते हैं, रात में खिलते हैं सुबह गिर जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये बहुत सारे फूल हैं, ये सुबह सूर्यास्त के पहले गिर जाते हैं। पारिजात अपने आप में एक धार्मिक पौधा है, इसे हिंदू धर्म में बड़ी महत्व दिया गया है। इसके फूल चढ़ाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। कहा जाता है कि पारिजात का एक फूल चढ़ाने से लक्ष्मी जी को 100 किलो सोना चढ़ाने के बराबर होता है, इतना महत्व माना गया है। पारिजात का अपने आप में एक विशेष महत्व है, ना कि सिर्फ धार्मिक महत्व है, इसका आयुर्वेद की दुनिया में भी बहुत बड़ा महत्व है। पारिजात के जो प्लांट होता है, सबसे पहला चीज़ ये होती है कि हमें घर में लगाने से जितने प्रकार के वास्तु दोष होते हैं घर में, वो अपने आप में ख़त्म हो जाते हैं। घर में नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होती है, साथ में घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो ये पौधा ज़रूर आप अपने घर में ऐड करें। दूसरी चीज़, इसकी पौधे की पत्तियाँ वगैरह सभी में विशेष महत्व होता है आयुर्वेद में। यह पौधे की जो पत्तियाँ होती है उनको आप सुबह पानी में उबाल कर पीजिए, आपकी जो भी नसें ब्लॉक होती है, ब्लॉकेज नसें जिसके हम बोलते हैं, शरीर में कई बार होता है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हो जाते हैं उनकी नसें ब्लॉक हो जाती है, काम करना बंद कर जाती है, तो इनकी पत्तियाँ पानी में उबाल कर पीजिए, ये नसों को खोलता है। दूसरा, बुखार वगैरह में भी ये अपने आप में बहुत फ़ायदा करता है। खांसी की समस्या होती है उसमें भी इसके औषधि गुण बहुत विशेष माने जाते हैं। आप इसकी पत्तियों को चबाइए, लगभग खांसी आपकी समाप्त हो जाती है। तो यह पौधा अपने आप में ऐसा पौधा है कि जिसके महत्व कई गुना अधिक है। दूसरा, इसके फूलों की खुशबू मनमोहक होती है। यह रात में आप इस पौधे के पास में आइए, ये आपको खुश कर देगा। इसकी जो खुशबू होती इतनी मधुर होती है कि आप अपने आप को बहुत ही प्रसन्न महसूस करेंगे। इसीलिए इस पौधे का महत्व आयुर्वेद हिंदू दर्शनशास्त्रों में कहीं अधिक माना गया है। आपने अभी सभी ने देखा होगा कि अयोध्या में मोदी जी ने जब वहाँ पर पूजन किया था शिलान्यास के दौरान, तो इसी पौधे को वहाँ पर मोदी जी ने अपने हाथों से लगाया था। राम मंदिर का जो निर्माण के लिए सबसे पहले जो वृक्ष लगाया गया है वो है पारिजात। समुद्र मंथन के दौरान भी यह पौधा प्रकट हुआ था। समुद्र मंथन जो देवता और राक्षसों के बीच में हुआ था, जहाँ पे अमृत निकला था उसके साथ में यह पौधा निकला हुआ है। अमृत के समान औषधीय गुण इस पौधे में।
तो अपने आप में काफ़ी विशेष गुणों वाला पौधा है, आप भी अपने गार्डन में ऐड कीजिए। हर घर में पारिजात का वृक्ष होना चाहिए, क्योंकि यह पौधा बड़ा आकार का है, वृक्ष के समान लेता है। आप इसको कम से कम 14 इंच पॉट में लगाइए। देखिए आदमी ने यह एक बड़ा पॉट में लिया हुआ है। आपके अगर घर के बाहर गार्डन है तो आप घर के गार्डन में भी लगा सकते हैं इसको। आपके कई प्रकार के समस्याएं वास्तु दोष के निराकरण ये अपने आप में स्वयं कर देगा। आपकी जितनी भी समस्याएं होगी घर में, आपको कई बार होता है कि हम कितना भी कुछ भी अच्छा कर ले, पूजन पाठ कर रहे हैं, लेकिन घर में समस्याएं ख़त्म नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहती है। तो इस पौधे को एक बार लगा के देखिए, आपके घर में जितने वास्तु दोष होंगे उनको ख़त्म करेगा, घर में पॉजिटिव एनर्जी लेके आएगा और अपने आप में आप खुद अधिक प्रसन्न महसूस करेंगे। तो दोस्तों ये थी पारिजात के बारे में छोटी सी जानकारी। वैसे इस पौधे की जानकारी काफ़ी ज़्यादा है, जितना हम समझेंगे उतना कम है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक की जानकारी के साथ में किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए, इसे लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं हमेशा आपको नई पौधों की जानकारी के साथ नई वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।